Hey guys, so this is Ujjal Kumar Sen and you are watching Ujjal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज का हमारा टॉपिक क्या है? Diploma in Electronics and Communication Engineering. इसके बारे में हम बात करेंगे, कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए, स्कोप क्या है, सैलरी कितना मिलता है, आगे क्या चीज़ चलेगा, मतलब आगे हायर स्टडीज़ करोगे, और सबसे बड़ा क्या है, इसका एक प्रॉब्लम है, इस ब्रांच का इंडिया में एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है लगभग नहीं है अगले 5 साल तक. रीज़न क्या है, हमारा जो इसका जो मेन यूटिलाइजेशन है कहाँ पर है, टेलीकॉम सेक्टर में, बिकॉज इंडिया में इतने मोबाइल कंपनीज नहीं है. बट ये प्रॉब्लम कहाँ तक है आपको बताऊँगा. देखिए, अगर आप करते हो डिप्लोमा, ओनली एंड ओनली डिप्लोमा, अगर आपको हायर स्टडीज नहीं करना है तब आप इस ब्रांच को प्रेफर कर सकते हैं. अगर आपको हायर स्टडीज करने का सोच रहे हो कि मैं बीटेक करूंगा, फिर मैं किसी टॉप कंपनी में जाऊंगा, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो भाई साहब आप एक ट्रेमेंडस कंपटीशन में जा रहे हो. क्यों? बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में फिलहाल डाउन है, पहला. दूसरी बात, जो भी वायरस का इशू चल रहा है इसके वजह से अगले 2 साल तक मुझे लगता नहीं मोबाइल सेक्टर में कुछ स्कोप भी है, ढंग का होने वाला नहीं है, बिकॉज लोगों का इनकम घट जाएगा. जब इनकम घट जाएगा लोग मोबाइल क्यों खरीदेंगे, बिकॉज मोबाइल एक सरप्लस चीज़ है, लोग सस्ता मोबाइल खरीद सकते हैं, राइट. तो इसमें मेरे को लगता है थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है, ये प्रॉब्लम मुझे लगता है. और इंडिया में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करना अदर देन आईआईटी और टॉप कॉलेजेस, आईआईटी जहां से प्लेसमेंट है, राइट, बीटेक करना, एमटेक छोड़ो अलग बात है, वो तो बात करूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बोलूंगा बहुत सारी चीज. तो आईआईटी या फिर जहां से प्लेसमेंट होता है, मतलब अच्छे कॉलेज से अगर बीटेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तब तो ठीक है लगभग. अगर आप ऐसे कॉलेज से करते हो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, जहां ऐसे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, प्लेसमेंट नहीं होता है ढंग का, वहां पर आपको दिक्कत आएगा, बिकॉज ऑफ कैंपस के थ्रू से जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट, बहुत डिफिकल्ट है बोल सकता हूं मैं, मतलब एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस काफी डिफिकल्ट है. अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो प्रॉब्लम था जो मुझे बताना था, मतलब बीटेक आपको नहीं करना है. अगर मान लो किसी ने बीटेक कर लिया है तो क्या करेगा, सपोज दैट यू हैव ऑलरेडी डन दिस बीटेक, मतलब बीटेक कर चुके हो या डिप्लोमा कर चुके हो या फिर आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हैं, तो क्या आपको छोड़ देना चाहिए? नहीं भैया, ना छोड़ो, हर चीज का सोल्यूशन होता है, आपको मिलेगा. लेकिन ये प्रॉब्लम जो था आपको बता दिया, पूरा वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आएगा. पहले हम बात करेंगे सिंपल, अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखें तो आपको पता होगा इसके बारे में, कॉलेज कैसे चूज करना है. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट, लोग कॉलेज चूज करने टाइम क्या करते हैं, गलती करते हैं, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं किसी शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, वहां पर भी एक गलती करते हैं. क्या गलती करते हैं? नेट पर सर्च करा, नेट पर ही फोन करा, नेट पर ही ट्रांजेक्शन कर दिया. गलत कर रहे हो भैया, ऐसा ना करें, ऐसे नाइन सभी अपने साथ ना करो, बाद में पछताओगे, बिकॉज हजारों लाखों बच्चों का मेरे पास मैसेज आ चुका है इस 3-4 साल में, मैं सबका प्रॉब्लम यही था, इसलिए प्रॉब्लम का सलूशन मैं ये बताता क्यों आपको, बिकॉज सारे बच्चे ही बोलते हैं गलती से एडमिशन ले लिया सर, पता नहीं करा था, ऐसे ही कॉलेज देखा, अच्छा कॉलेज लगा नेट पर, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग लगा, एडमिशन ले लिया. ऐसा ना करो मेरे भैया. क्या करना है फिर, अगर हो सके आपके स्टेट में अगर डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम है तो एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, बिकॉज कोई सेंट्रलाइज एग्जाम नहीं होता है इसका बीटेक जैसा. एंट्रेंस एग्जाम दो आप, राइट. एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको पता लगेगा आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कितने पानी में हो, रैंक पता लगेगा, थोड़े से आप समझोगे अपने बारे में, राइट. इट विल बी बेटर फॉर यू माई डियर. उसके बाद अगर आपको कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, इस ब्रांच में ले सकते हो. लेकिन एडमिशन तभी लेना है जब आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा का नौकरी करना है, बीटेक करना है एडमिशन ना लो मेरे हिसाब से. क्यों? आपको बता दिया मैंने क्यों. अगर ले लिया आपने तो क्या करना है वो आपको बता दूंगा, बिकॉज सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, राइट. अगर मान लो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी आप बीटेक कर सकते हो. तो पहला क्या देखना है, आपका जेब क्या है, फीस देखना है भाई साहब पहला. दूसरा, वहां पर पढ़ाई स्टडी कैसे होते हैं, दूसरा देखना है. तीसरा क्या देखना है, प्लेसमेंट देखना है. और 2 सेकंड में पता नहीं लग गया भैया, 3 साल आप देने वाले हो, थोड़ा सा टाइम देना इन चीज़ों को पता करने के लिए अच्छी तरीके से, ताकि आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेट से प्लीज़ पता मत करना किसी कॉलेज के बारे में, कॉलेज कैंपस में जाओ पूछो, आसपास पूछो, आसपास पड़ोसी में पूछो, पता लग जाएगा थोड़ा बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, फिर एडमिशन लेना. फीस, स्टडी, प्लेसमेंट, और आपके लैब्स हैं या नहीं है. लैब्स अगर अच्छे नहीं है तो फिर दिक्कत आएंगे, बिकॉज डिप्लोमा मतलब क्या है, हाथ का काम आपको आना चाहिए,
हाथ काम नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम आएगा, यू विल फेस प्रॉब्लम, राइट। तो मैं चाहता नहीं हूँ आपको प्रॉब्लम आए, हाथ का काम ना सीखें आप, मैं चाहता हूँ आपके कॉलेज में लैब्स हो। तो ये चीज़ें आप देखें, फिर तसल्ली करें, फिर एडमिशन लें। तो ये तरीका था आपका कॉलेज चूज करने का। गाइस अब बात करेंगे सैलरी कितना मिलता है। देखिए भैया इसमें कोई, देखो सैलरी को भी किसी भी डिप्लोमा से करोगे सैलरी वही है, 8-10 हज़ार मिलते हैं सैलरी, एवरेज सैलरी। अगर आपकी किस्मत अच्छा है 15 हज़ार मिल जाएगा, किस्मत ख़राब है 6 हज़ार मिलेगा। सो एवरेज सैलरी कितना मिलेगा, 8-10,000 पर मंथ। टाइम कितना काम करना पड़ता है, कहीं कहीं 12 घंटा होता है ड्यूटी, राइट, कहीं कहीं 8 घंटा ड्यूटी होता है। वो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज कहाँ से पढ़ रहे हैं, कॉलेज पर डिपेंड करता है कैसा कंपनीज आपके कॉलेज में आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। और प्लेसमेंट नहीं हुआ ऑफ कैंपस से जॉब, ECE से नौकरी लग जाता है, बट थोड़ा दिक्कत है लग जाता है लेकिन नौकरी। अच्छा अब बात करते हैं गाइस इसमें क्या बिजनेस कर सकते हो। हाँ भैया तगड़ा बिजनेस कर सकते हो, बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। क्या है, मोबाइल का रिपेयरिंग शॉप खोल लो। और इसमें आपको हेल्प चाहिए, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेल यू कैसे शॉप खोलना है, मतलब शॉप खोलना आप करोगे, मार्केटिंग कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग, लोग आपके शॉप में कैसे आएंगे, वो स्टडी मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फेसबुक पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन कृपया करके थोड़ा पेशेंस रखना भाई, ठीक है। चलिए तो ये आपका बिजनेस कर सकते हैं। हाँ जी बिजनेस में काफ़ी अच्छा पैसा है, ग्रोथ भी है, अमेजिंग कर सकते हैं बिजनेस। ये एक फील्ड काफ़ी शानदार है ECE के साथ, बिकॉज मोबाइल यूजर्स इंडिया में कितना है आप सोच भी नहीं सकते, और आपको पता है कितने लोग लाइन पे खड़े हुए रहते हैं, राइट। आपके अंदर काम अगर आपको आ गया, मोबाइल रिपेयरिंग करना आ गया, यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। आप ना चेन बिजनेस भी कर सकते हो, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग नंबर ऑफ शॉप खोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, आपके स्टेट में या दूसरे स्टेट में भी, यू कैन डू दैट, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब गाइस बात करेंगे बीटेक का, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है बहुत से लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा जब एडमिशन लेते हैं सोचते हैं डिप्लोमा ही करना है, मुझे जॉब करना है, लेकिन जब सैलरी पता लगता है 8,000 तो लोग सोचते हैं बीटेक कर लेंगे, थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगा। इसमें सही बात है, बीटेक करने के बाद थोड़ा सा पोस्ट का भी अच्छा मिलता है, पोस्ट भी अच्छा मिलता है और सैलरी भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो किसी कंपनी में क्या है 1,000 वैकेंसी है, डिप्लोमा होल्डर जॉब करते हैं कितना 900 के आसपास, 40 बंदे के आसपास बीटेक वाले काम करते हैं, तो वैकेंसीज कितना हो गया, बहुत कम हो गया। तो इसलिए जॉब मिलना ही मुश्किल हो जाता है। और इंडिया में बहुत कॉलेजेस हैं, 3500 के आसपास बीटेक कॉलेज हैं, उसमें से प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, और बहुत सारी जगह पर तो ऐसा है भाई साहब अनलिमिटेड बच्चे, जितने भी एडमिशन ना ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए दिक्कत आ जाते हैं कभी कभी, राइट। अच्छा बीटेक कर सकते हैं आप, बीटेक जैसे करेंगे आप डिसाइड करो आपके कॉलेज कैसा है। अब देखो एक बार बीटेक करना है तो क्या करना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, ट्राई करना है। अगर नहीं मिले तो प्राइवेट जाना ही पड़ेगा भैया, ट्राई फॉर गवर्नमेंट, सस्ता पड़ता है अच्छा भी है। और अगर नहीं मिला भाई साहब, अगर ये नहीं मिला तो आप प्राइवेट करो, और क्या ही कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो प्राइवेट में ढंग से कॉलेज में लेना जहाँ पर देखो कुछ ना कुछ तो प्लेसमेंट हो। और सच्चाई क्या है, जो भी बच्चे प्लेस मतलब ECE करते हैं, मैं देखा हूँ 70% बच्चों का प्लेसमेंट कहाँ होता है, इवन अच्छे कॉलेज का कहाँ होता है, IT सेक्टर में होता है 70% बच्चों का। अच्छा अगर मान लो कोई बोलेगा क्या मैं डिप्लोमा के ECE से मैंने डिप्लोमा करा, बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन हर स्टेट में हर यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है, तो आपको ढूंढना है। एग्जाम्पल जैसे RGPV है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला है, जो भोपाल में मतलब मध्यप्रदेश में है, वो अलाउ नहीं करती आपको करने के लिए, किसी स्ट्रीम चेंज नहीं करने देती है, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है वो अलाउ करती है, ये मेरे को पता है इसलिए आपको बता दिया, राइट। तो कुछ जगह अलाउ है कुछ जगह अलाउ नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मुझे पता नहीं उसके बारे में, फिर आपको सोचना होगा, बट आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा अब गाइस बात करते हैं, आपने मान लो प्राइवेट में एडमिशन लिया, आपके वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में आपने एडमिशन ले चुके हैं, अब प्लेसमेंट नहीं है या लेने वालों प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या करें भाई, तब भी आपके पास रास्ता है। आप क्या करिए, आपके पास 3 साल अभी है, बिकॉज आपका एडमिशन कब हो गया, कब मतलब सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, तो यू आर हैविंग 3 ईयर्स माई डियर। 3 साल आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 साल है, राइट। आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है किसका, वन एंड ऑनली एग्जाम का, गेट का, अगर टेक्निकल करना है। नॉन टेक करना है तो क्या करिए आप, SSC CGL करिए, रेलवे RRB का करो, या फिर आप स्टेट लेवल का कर सकते हो, या फिर UP से कर सकते हो, या फिर बैंकिंग IBPS कर सकते हो, इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन करिए, चूज एक करना है, या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। अब क्वेश्चन दिमाग में बहुत से बच्चों का आता है आसान कौन सा है, भैया नॉन टेक्निकल कंपेरेटिवली बहुत आसान है, बिकॉज मेरे जितना दोस्त ने गेट का प्रिपरेशन किया था और जितनों ने नॉन टेक्निकल किया था,
जिन्होंने गेट का करा था, बाद में उन्होंने नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन करा, नॉन टेक्निकल क्रैक हुआ, लेकिन गेट क्रैक तो हुए, लेकिन ऐसा क्रैक का क्या फायदा इसमें पीएसयू ना मिले या फिर किसी अच्छे आईआईटी से, आईआईटी टॉप के आईआईटी से एमटेक करना ना मिले, मतलब लगभग 87 नंबर ना आए तो क्या फायदा, ये 50 नंबर का क्या फायदा, नाम का क्वालिफाई कर लिया क्या फायदा, फिर उससे कुछ ज्यादा फास्ट फायदा नहीं है, वही एमटेक करोगे एनआईटी से फिर से प्रॉब्लम आएगा जॉब का। तो भैया उन्होंने नॉन टेक प्रिपरेशन करा, तो एक का आपका एचएससीजीएल में लगा हुआ है, एक दो दिन का आर्मी का है, उसके बाद दो तीन का स्टेट लेवल में, यूपीएससी या किसी का लगा नहीं, आईपीएस में दो तीन का लगा हुआ है। तो ये स्टार्स जो बता रहा हूँ ये मेरे दोस्तों का है, राइट, उनका हुआ है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये था पूरा स्टार्स, आई होप सो सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। और लेकिन अगर मेरे को बोले कोई, आप अगर आप होते तो क्या करते, तो मैं इसी ब्रांच तभी लेता अगर मुझे अपना मोबाइल या फिर कोई बिजनेस करना होता, या फिर मैं क्या करता, मतलब अगर मान लो मुझे सिर्फ डिप्लोमा ही करना है तब इसे ही रहता, या फिर ऐसा होता मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैंने काम कर रखा है, मुझे मजा आ रहा है काम करने में, तब लेता। अपना रियल इंटरेस्ट पता करो फिर एडमिशन लो। और ये इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, काम करके। तो कुछ ना कुछ काम करिए, मजा आ जाए, बता रहा हूँ जिसमें आपको मजा आ रहा है काम करने में, टाइम का पता नहीं लग रहा है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, रियल इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे क्या होता है, बहुत अच्छा मूवी ज़्यादा देखते हो, टाइम कब निकलता है पता नहीं लगता है, ये होता है, राइट, ये आप समझ पा रहे हैं, बिकॉज मूवी एग्जाम। और क्रिकेट देखते हैं तो क्या होता है, टाइम का पता नहीं लगता है कब निकल गया भाई साहब, 8-10 घंटा निकल गया, 50 ओवर्स कब निकल गया पता नहीं लगता, बिकॉज सट जाते हैं और हम देख के यहाँ अपना कंसंट्रेशन ऐसे रहता है, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो अगर इस तरह का इंटरेस्ट और अमेजिंग पैशन आप फाइंड आउट कर लो आपका क्या है, तो लाइफ में आपको जो चाहिए वो तो मिलेगा, प्लस आप दूसरों को भी दे सकते हो, बिकॉज आपके पास जो चीज़ है वो फुलफिल्ड हो जाएगा। इफ़ यू कैन डू दिस माय डियर, थिंग्स कैन बी इजीली चेंज्ड। जो भी आपका सर्कमस्टेंसेस है अभी, जो भी आपके प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकता है एटलीस्ट फाइनेंशियली। आई होप यू गॉट मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। लाइक करें, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, जो एडमिशन लेने वाले या ले चुके हैं उनको सारा प्रॉब्लम का या फिर सोल्यूशन का मिल जाएगा। हर चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया जो मुझे पता था। कोई फिर भी क्वेरी रहता है और आप चाहते हैं मैं किसी और ब्रांच का वीडियो बनाऊं, नीचे जरूर कमेंट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन माफ़ी चाहूंगा, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, मैं वीडियो बना लेता हूं आप लोगों को, बिकॉज एक का प्रॉब्लम है तो हज़ारों लाखों का प्रॉब्लम होगा, तो वीडियो के जरिए क्या हो जाएगा, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड enjoy your life. Bye-bye. Thank you very much.